अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम छोटी सी रेसिपी लेकर आए हैं। मैं बनाने लगी थी, कुकिंग करने लगी थी खाना डिनर, तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं बीफ कड़ी, मेरे पास बीफ था पड़ा हुआ, उसकी यानी कि बोनलेस है, तो मैंने सोचा चले उसकी कढ़ाई बनाते हैं, सिंपल सी और जल्दी से बनने वाली। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आपको मिले। और कमेंट्स में लिखा करें, और ज़रूर लिखा करें, अच्छा लिखा करें, और लाइक भी ज़रूर किया करें। लाइक बहुत ज़रूरी है, लाइक किया करें, और वीडियो को देखा भी करें पूरा, एड्स में देखा करें। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये मेरे पास बीफ है, ये देखें बहुत अच्छा सा साफ सुथरा सा। तो मैंने ये छोटी छोटी सी गोटियाँ करवाई हुई हैं। तो अब इसको क्या, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, यहाँ वाला तो वैसे जल्दी गल जाता है लेकिन फिर भी लगता है। तो ये हाफ के जी होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कह लें या हाफ के जी है। उसी तरह से ये गार्लिक जिंजर का यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट है, और उसके अलावा ये स्पाइसेस है, सॉल्ट है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और ये मैं इसमें ब्राउन चिली डालूंगी, ये इसकी मैं बनाऊंगी, मैं इसमें रेड मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा ये फ़र्क है। और गर्म मसाला मैं बाद में जब ऐड करूँगी वो है, और योगर्ट है, प्याज है, ग्रीन चिली है, धनिया है, और ये टमाटर है। तो अब ये है कि ये मेरे पास जितना गोश्त है उसी हिसाब से मैं ये आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है आप उसके स्पाइसेस ज़्यादा कर ले, चीज़ों की क्वान्टिटी ज़्यादा कर ले, कम है तो फिर आप उसी हिसाब से कम कर ले। तो चलिए आप आगे अगला वाला स्टेप करते हैं। तो मेरे पास ये पैन है, ये पैन नहीं है, कुकर है। तो अभी ये कढ़ाई टाइप का ही है, तो क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी है तो इसलिए मैंने सोचा चले इसी में सारा कुछ हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें एक कप पानी डाला है, तो अब उसके बाद मैं इसको ऑन करके तो ये गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालूंगी इसमें। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये बीफ डाल दूंगी इसमें, तो बाकी स्पाइसेस डाल दूंगी इसमें। ओके, तो अब ये प्याज कट करके इसमें डाल दूंगी। अब मैंने ये सारा डाल के तो इसको मैं रख देती हूँ, 10 मिनट के लिए रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी इसमें। ओके व्यूअर्स, तो ये हमारा हो गया है और डल गया हमारी ये जो है अभी। तो अब इसका आगे वाला जो प्रोसीजर है चले फिर आप वो करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल ले लिए, तो अब मैंने इसमें टमाटर के ये मैंने टमाटर इसमें चॉप कर लिए। आप चाहें तो इसमें काट के ना यहाँ पे छोटे स्लाइसेस में काट के टमाटर जो है वो डालें, क्योंकि हमने इसको गलाना है, इसकी जो है ना हमने वो ग्रेवी बनानी होती है। तो इस वजह से मैं तो इसमें ये कंफर्टेबल फील करती हूँ, आप जैसे बेहतर समझ से उस तरह कर सकते हो। तो ओके जी, अब यहाँ पे ये हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें जो है वो लैम डाल देती हूँ। ओके जी, सब देखिए इसमें टमाटर और सारे मसाले टुगेदर हो गए। अब मैं इसमें योगर्ट डाल दूँगी यहाँ पे ना, हाफ कप मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास जब मैंने बताया था जितना बीज है उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो ये बन गई हमारी कढ़ाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मसाला मैं डाल दिया, ऑप्शनल है, आप लोग पसंद करते हो तो डालें, नहीं पसंद करते तो ना डालें, ठीक है। ये बन गई है, अब यहाँ पर थोड़ी करो ना करो धनिया डाल देंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी बन गई है, वैसे मुझे तो यही लग रही है। अब खाएंगे घर वालों को पता चले। चले ओके भैया, तो ये बना ली मैंने बीफ कढ़ाई बोनलेस। तो चले अब हमने तो बना ली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, टेस्टी भी है। तो अब आप हम दिखाते हैं, अब आप भी ऐसे बनाए खाएं, खाएं, इंजॉय करें। और जो आप याद रखिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आपको मिले। और कमेंट्स में जरूर लिखा करें अच्छा अच्छा और वीडियो को देखा करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।